Hi everyone and welcome to my new video. This is our day 3 in Delhi and this morning time so we all are having breakfast and after having breakfast we will leave for Red Fort. Aaj hum log ja rahe hain Red Fort and after that we will go to Rajghat jahan pe Gandhi ji ka samadhi bana hua hai and after that we will go to National Museum. As I was suffering from fever, I was not feeling like to record the video. That is why I didn't record it introduction part with my own voice. अभी हम लोग पहुंच गए हैं रेड फोर्ट और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर. As we entered here, we saw a small market जहाँ पे बहुत सारा different items मिल रहा था like stalls, jewelries and handbags and different kind of purses plus different things जो कि आप घर में सजा सकते हैं. तो ये सब they all were looking so attractive and so beautiful and colorful also. तो हम लोग भी थोड़ा देखे फिर उसके बाद we went inside हम लोग घूमने के लिए अंदर चले गए. इफ़ आई एम बिंग ऑनेस्ट दिल्ली में सच में पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है जिसकी वजह से सब जगह ब्लर ब्लर दिखता है, फॉगी फॉगी वेदर लगता है, प्लस फोटोज़ एंड वीडियोज़ भी क्लियर नहीं आ रहा था. फिर भी हमने थोड़ा सा फोटोज़ वीडियोज़ लिया एंड आफ्टर दैट वी वेंट इनसाइड द म्यूज़ियम. यहाँ पर एक छोटा सा म्यूज़ियम था, हम लोग उसके अंदर चले गए. म्यूजियम से निकलने के बाद वी वेंट फॉर शॉपिंग जिसका वीडियो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई. मैंने वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें लिया है जो कि मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगी आप लोगों को. एंड नाउ वी आर ऑन आवर वे टू राजघाट जहाँ पे गांधी जी का समाधि बना हुआ है. अभी हम लोग हैं राजघाट पे. राजघाट घूमने के बाद हम लोगों ने लंच भी वहीं पे किया बाहर में होटल में. फिर उसके बाद हम लोग चले गए नेशनल म्यूजियम देखने. यहाँ पे वीडियोस फोटोज लेना अलाउड नहीं था तो आई हैव नॉट रिकॉर्डेड मच वीडियोस. नेशनल म्यूजियम घूमने के बाद वी वर मूविंग टुवर्ड्स आवर होटल जहाँ पे हम लोग बीच में रुक गए. सारे बच्चे मॉल चले गए घूमने के लिए एंड वी वर हैविंग चॉपस्टिक हियर बाहर में एंड इट वॉज सो टेस्टी एंड स्पाइसी. इट वॉज मेड ऑफ सोयाबीन लेकिन पहले हम लोगों को लगा कि इट इज मेड ऑफ चिकन क्योंकि उसका टेस्ट वैसा ही आ रहा था. विद इन दिस 3 days दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव रीच्ड होटल अर्ली एंड वी आर हैविंग डिनर ऑन टाइम. तो आई एम एंजॉइंग माई डिनर विद देम. सो आज था हम लोगों का दिल्ली टूर का लास्ट डे और मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिला व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए स्टार्ट करने के लिए क्योंकि आई हैड फीवर. कल मॉर्निंग से ही फीवर था तो आज कुछ ज़्यादा ही हो गया था इसलिए मैं व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर पाई मॉर्निंग में, मतलब कि इंट्रोडक्शन वाला नहीं कर पाई. तो इग्नोर आवर बैकग्राउंड, बहुत मेसी है, पैकिंग करना है. कल हम लोग यहाँ से निकल रहे, वी आर लीविंग टुमारो मॉर्निंग ओनली और हम लोगों का आफ्टरनून का ट्रेन है. तो मेरा गला भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, अभी फीवर का मेडिसिन भी लेके सोना है. तो आज हम लोग मॉर्निंग में गए थे रेड फोर्ट गए पहले और उसके बाद हम लोग गए गांधी जी का समाधि जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे गए एंड आफ्टर दैट वी वेंट टू नेशनल म्यूजियम. तो वही सब मैं उतना ज़्यादा वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर पाए. रेड फोर्ट में थोड़ा सा शॉपिंग भी किए तो आई बॉट समथिंग. तो क्या क्या शॉपिंग किए मैं बताती हूँ. आई गॉट दिस क्यूट लिटिल बैग, ये वाला मुझे बहुत पसंद आया था तो एक बच्चे के लिए गिफ्ट लिया है. एंड ट्रेडिशनल ड्रेस के लिए लिया है एक नेकलेस, ये वाला. सॉरी ये बहुत मेसी दिख रहा है अभी,
अरेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे तो अच्छा है। साड़ी सबके लिए ये नेकलेस है, ट्रेडिशनल ड्रेस में स्पेशली अच्छा दिखेगा। एंड अनदर वन आई गॉट दिस वन ऑल्सो फॉर 50 रुपीज़। ये दोनों नेकलेस 50 रुपीज़ का है। एंड अनदर वन ये स्टोन वाला है, मुझे कलर बहुत पसंद आया इसका। यहाँ पे थोड़ा मेसी हो गया है लेकिन अच्छे से एडजस्ट करते तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। ये लिया है 250 में। ईयर रिंग्स भी है छोटा छोटा, सो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, इसीलिए कंफ्यूज हो रही थी लूँ कि नहीं लूँ, बट फिर भी मैंने ले लिया। ये सब के साथ जाएगा, ड्रेसेस के साथ, टॉप के साथ, साड़ी के साथ, तो मुझे अच्छा लगा इसीलिए आई बॉट दिस। आई गॉट दिस वन, ये वाला क्यूट है, बहुत अच्छा लगा मुझे। दिस वन इज गिफ्ट फ्रॉम सौरभ, थैंक यू। सो दिस इज इट फॉर टुडेज व्लॉग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम लोग जा रहे हैं तो शायद मैं जाते टाइम का भी वीडियो को रिकॉर्ड करूँ, आई डोंट नो करूँगी कि नहीं करूँगी, लेकिन आई विल ट्राई टू मेक। अभी तो फीवर की वजह से हालत ख़राब है, तो मैं अभी जल्दी से मेडिसिन लेके सो जाऊँगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।